नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। कोरोना को हल्के में ना लें क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़े हैं और पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 1,94,720 नए केस सामने आए, जो कल की तुलना में 15.9% ज्यादा है। देश में कोरोना की संक्रमण दर 11.05% हो गई है। नए वेरिएंट की बात करें तो देश में ओमिक्रॉन के मामले 4,868 हो गए हैं। इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजस्थान में हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले टॉप के 5 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यहां कोरोना के 34,424 नए मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 21,259 मामले, पश्चिम बंगाल में 21,098, तमिलनाडु में 15,379 और कर्नाटक में 14,473 नए मामले सामने आए। कोरोना पर जैसे जैसे स्टडी हो रही है, कोरोना वेरिएंट उतना ही घातक नजर आ रहा है। पहले कोरोना, डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबकी चिंताएं बढ़ा रखी हैं। आप सोचते होंगे घर के काम भी हैं, ऊपर से कोरोना की सख्ती भी और मास्क से हो रही उलझनें आपको परेशान जरूर करती होंगी। लेकिन फिलहाल तो कोरोना का यही उपचार है, आप नाक से ऊपर मास्क पहनेंगे तो ही कोरोना से बच पाएंगे। बाजार या बाहर से घर में प्रवेश करेंगे तो आपको हाथ धोने ही पड़ेंगे। इन्हें आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल बंसल जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल बंसल से अगले आधे घंटे तक पूछिए आपके मन का हर सवाल कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ। डॉक्टर अनिल बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सर, जिस तरह से देश में मामले बेहद तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, 1,94,000 मामले बीते 24 घंटों में सामने आए हैं, कितनी खतरनाक स्थिति अब देश में कोरोना से एक बार फिर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने रखा है, क्योंकि 1,94,000 बहुत ज्यादा है और ओमिक्रॉन वायरस जो है बहुत तेजी से फैलता है। इसकी फैलने की रफ्तार पहली वेव और दूसरी वेव, इसमें डेल्टा और सिंपल कोविड वायरस से, तो उनसे कई गुना ज़्यादा है। हमारे देश की पॉपुलेशन संसार में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है। ऐसे में अगर तेजी से फैला तो यूजुअली तो वायरल इन्फेक्शन 90% अपने आप ठीक हो जाते हैं जी। और जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशन होती है, छोटे बच्चे जिनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा खतरा कर सकता है कॉम्प्लिकेशन के मामले में। लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो 10% में कौन है, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हल्के में ना लें। और ये तेजी से जो फैल रहा है, और इसको ये ना सोचें कि ये 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो रहा है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी ला सकता है और इसके बाद और भी म्यूटेशन हमारे देश में आ सकते हैं, संसार में आ सकते हैं। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बीमारी हो या ना हो, उसका प्रॉपर पालन सब लोगों को करना है, जनता को, पॉलिटिशियंस को, धार्मिक लोगों को, और जब सब लोग मिलकर करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि आखिर इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद, वैक्सीनेशन का दायरा लगातार बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी जो कोरोना के मामले हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप देश में जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं? क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सही से पालन ना होना भी कोरोना बढ़ने का एक बड़ा कारण है? देखिए, वायरस बिल्कुल नया है और इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। पहली वेव के अंदर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, शुरू में 5-7 दिन के अंदर लोगों में सिम्टम नहीं आते थे, 5-6 दिन के बाद जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड था, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद सिम्टम्स आते थे। अब देखा गया कि कोरोना का जो ओमिक्रॉन वायरस का जो मॉडल आया है, इसके अंदर 2 या 3 दिन में सिम्टम्स आ जाते हैं और बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये एयरबॉर्न डिजीज है, एक व्यक्ति अगर बात कर रहा है और वो कोविड से इन्फेक्टेड है, तो उसके जो वायरस हैं आसपास में जितने भी लोग खड़े हैं या उसके कॉन्टैक्ट में हैं, उन सबको जा रहा है। और अगर वायरल लोड ज़्यादा हो तो उसको सिम्टम ज़्यादा होते हैं, अगर वायरल लोड कम हो तो उसको माइल्ड इन्फेक्शन होकर रह जाता है। लेकिन क्योंकि वायरस नया है, रिसर्च चल रही है, तो बड़ी जल्दी कहना होगा कि इस वायरस के फैलने के कारण क्या है। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ना सिर्फ हम इस वायरस से बचते हैं और बाकी बीमारियों से बचते हैं। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो 4 मेन स्तंभ है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बड़ी बड़ी गैदरिंग के अंदर मत जाएं, इनका अगर हम पालन नहीं करेंगे तो किसी की भी व्यक्ति को अगर कोविड हो गया तो वो एकदम कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैला सकता है। इसके अंदर पॉलिटिशियंस,
धार्मिक लोग और जनता सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी तक हो क्या रहा था हमारे देश में, जब कोरोना की लहर आई, जैसे पहली भी आई दूसरी भी आई, तो हमने उसे कुछ सबक तो लिए लेकिन कुछ सबक को इग्नोर कर दिया। जैसे कि दोनों बार इलेक्शन के लिए बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही थी और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मान रही थी। जी इस बार भी जब कहा गया WHO के एक्सपर्ट के द्वारा, इंटरनेशनल लोगों के द्वारा कि ये तेजी से फैल रहा है, हमारे देश में 10 जनवरी तक किसी भी रैली पे कोई बैन नहीं था, किसी भी धार्मिक उत्सव पर बैन नहीं था। जी तो हम थोड़ा लेट जागे हैं, बट कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें पूरा ध्यान रखना है जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। डॉक्टर साहब, सवाल वही है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बेहद जरूरी है। अब आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और देखा यही जा रहा है कि उन खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़ा सूबा है एक भारत का, और उसमें जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, ऐसे में आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं यूपी में, तो खतरा तो लगातार बना हुआ है और आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आइडियली इलेक्शन पोस्टपोन कर देने चाहिए थे, जैसे हमने फर्स्ट लॉकडाउन लगाया था तो हमने किसी की पेट नहीं की थी। अब यहाँ पर जब पता था कि इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो सरकार को आगे बढ़ के जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको लगाना था। लॉकडाउन से सब कुछ ये नहीं है कि रामबाण है और लॉकडाउन लग गया तो शायद बच जाएंगे, उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हैं। आम लोगों की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें होती हैं और रूटीन में अपना रोजी रोटी कमाने का जायरा वो भी यही इसी के थ्रू होता है। अगर लॉकडाउन लग जाए तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बिना लॉकडाउन लगाए जैसे रैली बैन अब किया है, अगर हम 15-20 दिन पहले करते थे तो बहुत अच्छा होता। अभी भी अगर कोई देर नहीं है, सब लोग अपना जो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं उसको, गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक और पॉलिटिशियन को सबको मिलकर पालन करना है। हम एक भाषण दे दें कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आप सोशल डिस्टेंस रखो, बड़े गैदरिंग में मत जाओ, लेकिन खुद हम अगर रैली करते रहें, उद्घाटन करते रहें, तो उससे जनता के अंदर एक मैसेज जाता है कि ये कुछ नहीं है, सिंपल वायरस है और ठीक हो जाएगा। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर इत्यादि बड़े बड़े लोगों को भी कोरोना हो गया। तो कोरोना ये नहीं देखता कौन हल्का है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, वो तो सब पे अटैक करेगा। और जिसकी बॉडी में रेजिस्टेंस कम होगी या जिसको कोमॉर्बिडिटीज की बीमारी होगी, उनके दूसरे सिस्टम को ये इन्वॉल्व करेगा और नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट का पालन बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल भूल जाएं कि अगर वैक्सीनेशन है तो कोरोना नहीं होगा, वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोरोना हो रहा है, मरीजों को देखा जा रहा है, ऐसे लोगों को भी। और डॉक्टर साहब, हमारी पहली दर्शक पानीपत से शिवानी जुड़ गए हैं। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? सर, मेरा डॉक्टर सर से ये सवाल है कि जैसे हर वायरस की एक पीक होती है, तो ओमिक्रॉन की पीक क्या होगी? ये आवाज कम आ रही है डॉक्टर साहब। सवाल ये है कि जिस तरह से मामले अभी बढ़ रहे हैं, 1,94,000 बीते 24 घंटों में सामने आए, इसकी पीक जब आएगी तो कहां तक मामले बढ़ सकते हैं, कितने मामले एक दिन में दर्ज हो सकते हैं अधिकतम? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा कि अमेरिका में 10 लाख तक केसेस पर डे आ रहे हैं और हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी मतलब 5 लाख 10 लाख कहीं भी जा सकते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ लोग इम्प्लीमेंटेशन करने में वीक हैं, खासतौर पर जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है और वो प्रिकॉशन नहीं रखते, इवन जो मास्क है उसको भी साफ ठीक से नहीं लगाते, मुँह पे लगा दिया, नाक पे नहीं लगा और बाहर भीड़ में चले गए। तो ऐसे में फिर दूसरा मास्क को बदलते नहीं है लोग, क्योंकि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, एक ही मास्क को कई दिनों तक लगाते हैं तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो ऐसे मास्क को लगाने से फिर और बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। केसेज नंबर ऑफ केसेज बहुत बढ़ जाएंगे, बट उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार ये देखा गया है कि ये माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं और जल्दी से बॉडी रिस्पॉन्ड करके व्यक्ति को ठीक कर देती है। तो जो भी जिसको भी कोविड अगर लगता है तो कोविड के साथ साथ घर में सेल्फ आइसोलेशन के साथ इलाज करें, अननेसेसरी दवाइयाँ व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर या अपने दोस्तों के थ्रू, या हमारे देश में झोला छाप डॉक्टर बहुत ज़्यादा है, उनके कहने पर जो लोग इलाज कराते हैं वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अगर कभी कोरोना हो भी जाता है तो आइसोलेशन करके घर में रहें और किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से
टेली कंसल्टेशन लें या उनसे बात करके ही अपना ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर यानी जो ओमिक्रोन वाली लहर है, इसमें जो संक्रमित हो रहे हैं मरीज, उनमें कोई गंभीरता नहीं दिख रही, सिवियरिटी नहीं दिख रही। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ा हुआ है, तमाम सख्ती भी लागू हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो डेथ का आंकड़ा है, जो मौत है कोरोना से, वो लगातार ज्यादा हो रही है। बीते 24 घंटे में 400 से ज्यादा कोविड के कारण मौत हुई। इस आंकड़े को किस तरह से देखें, इस आंकड़े से कितना हमें डरने की जरूरत है? ये कोविड से नहीं डेथ हो रही है, ये कोविड की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। कोविड तो 5-7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है। हमारे देश में बहुत तरह की बीमारियां हैं जिनका कि लोग इलाज कर रहे हैं। जब कोविड होता है तो उनका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है जी। जैसे उनको बॉडी एक बार तो दवाई निकाल रहे या खाना निकाल रहे, तो उनको जिन लोगों को ऐसी कोई बीमारियाँ हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जब कोविड इन्फेक्ट करता है तो वो बॉडी के अंदर ये सिस्टम जो होता है बिगड़ जाता है। और दवाइयाँ अगर ज़्यादा खा ली जाएँ तो वो भी किडनी को, लीवर को नुकसान करती हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से देखा गया है कि इन लोगों को नुकसान हो रहा है या डेथ हो रही है जी। तो इसका ध्यान रखें कि कोविड अगर हुआ है तो अपना जो रूटीन ट्रीटमेंट है, जो रेगुलर आपका इलाज में चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, उसको मेंटेन करें। बिल्कुल, अगर आप पुरानी बीमारी से भी पीड़ित हैं तो वो तमाम रूटीन फॉलो करते रहें कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी। और हमारे साथ नरवाना से सुभाष जुड़ गए। सुभाष, स्वागत है आपका जनता टीवी पर, क्या सवाल है आपका? और हमारे साथ हमारी अगली दर्शक पानीपत से शिवानी जुड़ गई। शिवानी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर, क्या सवाल है आपका? तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ तो आप फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल हैं, और लगातार जिस तरह से हम बात यही कर रहे हैं कि जो कोरोना का खतरा है वो बना हुआ है और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने के बावजूद भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का दायरा हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है, 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज अभी तक दी जा चुकी है। ऐसे में किस तरह से राहत हमें वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने से मिल रही है इस महामारी में? देखिए, वैक्सीनेशन जरूर हम कर रहे हैं, वैक्सीन कोई ऐसा नहीं है 100% क्योर कर देगी या इससे बचाएगी, क्योंकि नया वायरस है, रिसर्च चल रही है, और जो देखा गया कि रिसर्च के थ्रू वैक्सीन लगी हुई है तो इसको 8-9 महीने के अंदर एंटीबॉडीज जो बनी थी वो कम हो जाती है और इसका असर कम हो जाता है। तो इसीलिए देखा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी उनको भी बाद में कोरोना हो गया। जैसे हमारे देश में पहली वैक्सीन जनवरी 2021 और फरवरी 2021 में लगनी शुरू हुई थी, और उनकी सेकेंड डोज के बाद मार्च के अंदर मोस्टली जो फ्रंटलाइन वर्कर थे या सीनियर सिटीजन थे उनको वैक्सीन लग चुकी थी। अगली बूस्टर डोज जो है ये 8 महीने या 9 महीने के बाद लगनी चाहिए थी, लेकिन अब हम जनवरी में लगा रहे हैं, इसका मतलब 1-2 महीने लेट हो गए हैं। आइडियली वैक्सीन लगने के बाद बॉडी में कुछ इम्यूनिटी आ जाती है, एंटीबॉडीज आ जाती हैं, और वायरस का अगर इन्फेक्शन है भी तो उसकी सीवियरिटी कम होती है। वैक्सीन से वायरस मरता नहीं है, वैक्सीन वायरस से मुकाबला कर रहे उसको खत्म करने में हमारे शरीर को हेल्प करती है। तो वैक्सीन ये ना सोचे कि लगा ली तो हमें कुछ नहीं होगा, वैक्सीन लगाने के बाद भी सभी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वैक्सीन का भी इतना असर नहीं रहेगा और फिर आपको बीमारी होकर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। बिल्कुल, तमाम घूम फिर के सारी जो बातें आती हैं आखिरी में वो इसी पर होती हैं कि हम कोरोना के नियमों का पालन किस तरह कर रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किस तरह कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। और हमारे साथ हमारे दर्शक नरवाना से सुभाष जुड़ गए हैं। सुभाष, स्वागत है आपका जनता टीवी पर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी। सर, मेरा सवाल ये है, कोरोना चक्कर में गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, वहां तो कोरोना है, रोडवेज की बस भरी चलन लग रही, वहां कोरोना नहीं है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब सवाल यही है कि जिस तरह से तमाम चीजों को बंद किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट अभी भी जारी है, तो इसको लेकर सवाल है, क्या ट्रांसपोर्ट के जरिए भी कोरोना फैलने का खतरा लगातार बना हुआ रहता है? देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट ना भी चले और लोग मिलते रहेंगे तब भी कोरोना फैलेगा। इतने बड़े देश में कोरोना की बीमारी का लहर को रोकना बड़ा मुश्किल है। अगर हम प्रिकॉशन लेंगे, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह बंद किए हैं, तो छोटे बच्चों की जो रेजिस्टेंस पावर देखा गया कि बहुत अच्छी नहीं होती। हमारे देश में खासतौर पर मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे बड़े वीक होते हैं, और जब उन लोगों को बीमारी होगी तो उनके ऊपर अभी रिसर्च भी नहीं हुई, दवाइयाँ भी उनकी बड़ी
नाप तोड़ के देने होते हैं वजन के हिसाब से, तो ऐसे में उनको नुकसान हो सकता है। बाकी अगर हम सब चीज़ बंद कर देंगे तो लॉकडाउन में कोई फर्क नहीं रहेगा और लोगों को और बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर इन सब चीज़ों के साथ हम प्रिकॉशन लें तो हम इस बीमारी को, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचेंगे और उसको आगे फैलने में रोकने में मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुंबई में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के मामलों में कमी बनी हुई है, तो उनका कहना है कि दिल्ली में भी आने वाले कुछ दिनों में ये ट्रेंड देखा जा सकता है। आप क्या मानते हैं, कितना वक्त अभी और लग सकता है कोरोना के मामलों में कमी आने में? देखिए, इसके बारे में कोई भी डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता। अभी जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन जितने भी हैं या किसी भी पार्टी के हों, वो ब्लेम नहीं लेना चाहते कि हमारी नाकामी की वजह से ये बीमारी फैल रही है। तो लोगों के अंदर वो इतना कह रहे हैं कि कम हो सकता है, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो बता रहे हैं कि ये अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इसमें अगले 15-20 दिन हमें बड़े ध्यान से रहना होगा, क्योंकि कभी भी एकदम से तेज़ी से पीक के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो फैलता है, और जब ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे, करोड़ों की तादाद में होंगे, तो उन लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। हमारे देश में सरकारी हेल्थ सेवाएँ बहुत अच्छी नहीं है और प्राइवेट बहुत महंगी है, तो ऐसे में लोग फंस जाते हैं। प्राइवेट में जाएँ तो मुश्किल होता है, और सरकारी में बेड इतने कम होते हैं, और हेल्थ के जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो खुद भी कोविड बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अगर ये पोजिशन आई तो काफ़ी खतरनाक चीज़ हो सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखा यही जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब खतरे की बात है, चिंता की बात है। अगर यही आलम बना रहा तो आने वाले वक्त में कोरोना के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें हमारे सामने जरूर होंगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यही है कि वो अगर हम किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ गए हैं तब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें एहतियातन कदम उठाने चाहिए खुद को बीमार होने से बचाने के लिए? देखिए, वायरस बहुत तेजी से एयरबोर्न डिजीज है, एक व्यक्ति के सांस लेने से वायरस छोड़ता है और जो आसपास जितने भी लोग हैं उनको मतलब वो बीमारी से ग्रसित कर सकता है। बट इसमें आप घर में किसी को या रिश्तेदारी में या फ्रेंड्स में किसी को हो गया तो उसको अपने कमरे में आइसोलेट करें। अगर परिवार में 2-3 लोग हैं तो उनको आइसोलेट करें, कोशिश करें उनसे कम से कम मिलें, अपने जब भी उनके पास जाएँ प्रॉपर मास्क लगा के जाएँ, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। अब देखिए, जो वायरस जिसको हो गया, जब वो सांस लेता है तो घर के अंदर नलकों पे, सीढ़ियों पे, कहीं भी वायरस गिर सकता है, और अगर आपने उसको हाथ लगाया तो वो आपके हाथ के थ्रू आपके मुंह में जा सकता है। तो इसीलिए अगर सफाई रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, और उन लोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट रखें ध्यान, कि वो जनरली आम लोगों से ना मिले, तो आप अपने आप को इसकी सीवियरिटी से बचा सकते हैं। घर में एक बार ही वायरस आ गया तो 90% चांसेस है कि बाकी लोगों को भी आएगा, बट कम्युनिटी के अंदर वो ना फैले, इसके लिए उनको ध्यान रख के अपना प्रॉपर एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे बाहर अन्य सर्जरी ना जाएं जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी नहीं हो तब तक बाहर ना निकलें, घर में रह के ही सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। और अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, मैं बार बार क्वालिफाइड डॉक्टर कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर बहुत हैं, हर आदमी डॉक्टर है, और उसके कहने पर लोग दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं जिन दवाइयों का आपको पता भी नहीं है कि वो कितना नुकसान कर सकती हैं। जैसे स्टीरॉयड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स का देखा गया कि वायरल में कोई इन्फॉर्म रोल नहीं होता है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकते हैं, लेकिन लोग शुरू में ही एडवांस में लेके दवाइयाँ खाने शुरू करते हैं जिनसे पेट भी खराब हो सकता है, किडनी भी डैमेज हो सकती है, लीवर में भी नुकसान हो सकता है। तो बजाय कोरोना से बचने के हम और खतरनाक बीमारियों के चंगल में फंस जाते हैं जो कि नुकसान कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मास्क बहुत ज़रूरी है, लगातार कोरोना की शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अधिकतर मामलों में हमने यही देखा है कि जो जनसाधारण है वो कपड़े से बने मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कपड़े से बना मास्क क्या रोक सकता है कोरोना को? देखिए, अगर आइडियली कंडीशन ऐसी नहीं होती तो कपड़े का मास्क हम कहते हैं कि ना लगाएं, लेकिन हम इतनी तेज़ी से वायरस फैल चुका है और मास्क का रेगुलर चेंज करना कॉमन मैन के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इस चीज़ में ऐसे में अगर कपड़े का मास्क लगा रहे हैं उसको रेगुलर वॉश करें, एक दिन से ज़्यादा यूज ना करें, हर 2 दिन कपड़े के मास्क रखें और उनको जब भी गंदे एक दिन के बाद धो लें। जैसे हम अपने कपड़े रोज चेंज करते हैं और धो के पहनते हैं, ऐसे ही मास्क को धो के प्रॉपरली और फिर उसको यूज करें।
ये ना हो कि एक एक हफ्ते तक 7-7 दिन तक लोग मास्क पहन नहीं करते, इससे कोरोना तो कोरोना और बीमारियां कई बॉडी में लग सकती हैं और कोरोना ऐसे में आपको इन्फेक्ट करके उन बीमारियों को और भी ज़्यादा खराब कर सकता है। तो मास्क का प्रयोग ध्यान से करें और प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो, अगर नीट एंड क्लीन नहीं हो तो उसको डिस्कार्ड करके दूसरा लें। जिस तरह से डॉक्टर साहब मामले बढ़ रहे हैं, क्या अभी कहा जा सकता है कि भारत में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरह फैल रही है? क्योंकि शुरुआत में भले मामले वो नजर आ रहे थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री विदेशों की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो मामले बढ़ रहे हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में समझना जा सकता है कि अब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है कोरोना का द्वारा से एक बार? बिल्कुल, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, थर्ड वेव भी आ गई है। थर्ड वेव का पीक कब आएगा वो देखने वाली बात है। पीक का मतलब जब मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस होंगे, क्योंकि 1,90,000-94,000 केसेस कम नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेज हैं। और अभी इसमें अगर अभी पीक नहीं है, तब नया पीक आने के बाद तो देखो आने वाले टाइम में कितने केसेज हो चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका में 10 लाख केस पर डे आ रहे हैं जी। हमारे देश में टेस्टिंग फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कि जो 1,94,000 हम बता रहे हैं इससे भी कई गुना ज़्यादा हो, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो रोजाना पूछा जाता है हमारे शो में वो यही है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहा है उसे क्या समझना चाहिए, किस तरह से कोरोना से बचाव के वो तमाम एहतियात उसे पालन करना चाहिए कि वो कोरोना से बच सके। हालांकि उसे बाहर जाकर काम भी करना है, अपने घर के लिए खर्च भी उठाना है, ऐसे में उसको इन तमाम चुनौतियों के बीच क्या कुछ नियम पालन करना चाहिए जिससे वो कोरोना से बच सके? देखिए, कोरोना से बचना इस टाइम पर बहुत आसान नहीं है। अगर आप लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, टीचर हैं आप लोग, रिपोर्टर्स हैं, तो ऐसे में है कि अगर बीमारी हो भी गई तो घबराए नहीं जी। अपना घबराहट में इसको ये ना सोचिए कि बहुत बड़ी चीज हो गई कोरोना। अगर हो गया पहली बात तो कोरे ऑफिस बिहेवियर को अपनाएं तो कोरोना के चांसेस कम होंगे। अगर हुआ भी तो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, क्योंकि मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं, भीड़ भाड़ में नहीं जा रहे तो आपको वायरल लोड कम होगा, और अगर वायरल लोड कम है तो आपको सिम्टम्स भी कम होंगे और जल्दी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी जी। अगर हो भी गया तो घबराने की बात नहीं है, 90% लोगों के अंदर ये माइल्ड इन्फेक्शन के साथ बेड रेस्ट और जो कुछ दवाइयाँ सिम्टोमेटिक हैं, जैसे बदन दर्द है, बुखार है, तो उसके अंदर पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम एडल्ट में और बच्चों में उनके वेट के हिसाब से दवाई दी जा सकती है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कोरोना संक्रमित हो भी जाएं तमाम नियम कायदों का पालन करें, जो सिम्टम्स के अनुसार दवाइयां खाएं, आप तुरंत ठीक हो सकते हैं। और हमारे साथ हमारे अगले दर्शक वीरेंद्र जुड़ गए। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? हेलो जी, हेलो जी, वीरेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है, जैसे जिसको इंजेक्शन लग गया उस कोरोना का जी, उसको भी कोरोना हो रहा है, उसका कोई उपाय है इंजेक्शन का? देखिए, इंजेक्शन मैंने बताया कि कोविड का जो लग रहा है ये रामबाण दवाई नहीं है, ये एक रिसर्च के बाद देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उनको एक कम होता है या उसकी सीवियरिटी बहुत कम होती है। लोग ये ना, अच्छा एक वैक्सीन लगाई या दूसरी नहीं लगाई तो उसकी इम्यूनिटी पूरी नहीं आई, और दोनों वैक्सीन भी लग गई तो 8-9 महीने के बाद इनकी एंटीबॉडीज फिर दोबारा कम हो जाती है। ऐसे में बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। फिर भी अगर वैक्सीन लगाइए तो ये ना सोचें हमें कुछ नहीं होगा, सर मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से, मैं दो तरह के मास्क यूज करती हूँ, एक N95 और एक सर्जिकल मास्क, तो कौन सा बेटर है? नहीं, आप क्या करते हैं, कहीं किसी अस्पताल में काम करते हैं या? नहीं, मैं ऑफिस में जाती हूँ, जॉब करती हूँ। ऑफिस वाले जो लोग हैं उनको N95 क्योंकि बड़ा कॉस्टली पड़ता है और रेगुलर चेंज करने में मुश्किल होती है, तो आप अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप प्लेन कपड़े का मास्क अच्छा तरह लगाएं और उसको साफ रखें। इवन N95 भी जो है ये आपको रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा, एक दिन के बाद दूसरे दिन लगाने में प्रॉब्लम होती है। ये जनरली हेल्थ केयर वर्कर्स को, ये जो अस्पताल में काम करें उन लोगों के लिए है, क्योंकि उनको लगातार पेशेंट के बीच में रहना है जहाँ की वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको वायरल लोड ज़्यादा नहीं है तो N95 ना भी यूज़ करके प्लेन सिंपल मास्क अगर लगाते हैं उनको चेंज करें लोग, और कपड़े का तो उनको अच्छे से साफ करें।
बिल्कुल, तो तमाम एहतियात बरत कर आप कोरोना से बच सकते हैं, महामारी से बच सकते हैं। और लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। कोविड दोनों टीका लगे लोगों को भी हो रहा है, ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए डॉक्टर अनिल जी, और तमाम दर्शकों के सवाल देने के लिए।